दोस्तों जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल को डिस्कस कर लेंगे। जो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एमपीपीएससी जो 2024 के लिए आपको काम आएगा, एमपीपीएससी 2024 में काम आएगा दोस्तों, जो यूनिट नंबर 5 है, आपने यूनिट नंबर 5 सिलेबस में देखा होगा, जो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था दी हुई है उसके अंतर्गत, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय ये सब दिए गए हैं। तो राज्यपाल की लिस्ट भी मैंने डाल चुका हूं, अब मैं डालने वाला हूं काहे कि मुख्यमंत्री की लिस्ट। और आपको जानकारी के लिए बता दूं यूनिट नंबर जो 5 है दोस्तों एमपीपीएससी प्रीलिम्स की, जो जो टॉपिक वहां मेंशन है वो टॉपिक मैंने पढ़ा चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बनाकर रख चुका हूं। एमपीपीएससी 2024 आप देखेंगे, यूनिट नंबर 5 देखेंगे, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करेंगे दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए। तो दोस्तों मंत्रिमंडल भी मैंने पढ़ा चुका हूं, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद में आता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद में आता है, इनका क्या काम होता है, सब डिटेल हो चुका है। इसमें हम लिस्ट देखते हैं डायरेक्ट कहां वहां, समझे क्या मेरी बात? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देखेंगे और उनका कार्यकाल देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन जो है ये 1977 में लगा था दोस्तों। कब से कब तक? 1977, 30/4/1977 से लगा था पहला राष्ट्रपति शासन और 26/6/1977 को खत्म हो गया था पहला राष्ट्रपति शासन। तो मध्य प्रदेश में जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में, उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्याम चरण शुक्ल के कार्यकाल में लगा था, क्वेश्चन आ सकता है। 10वें नंबर के मुख्यमंत्री यानी क्रम के हिसाब से देखेंगे 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बने, 10वें नंबर नहीं बोलेंगे, यानी श्याम चरण शुक्ल बने, उसके बाद पहला राष्ट्रपति शासन उन्हीं के कार्यकाल में लगा था, याद रखना यह क्वेश्चन आता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा था दोस्तों, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में 18/2/1980 से लगता है ये राष्ट्रपति शासन, और कब तक रहता है? 8/6/1980 तक रहता है। और दूसरा राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा बने थे, और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए याद रखना है इनका नाम। तीसरा राष्ट्रपति शासन 92-93 में लगा था दोस्तों, तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 92-93 में। 92-93 क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि 16/12 से लगा था, आखिरी महीना चल रहा था 12वां, 1992 से लगा था, और 6/12 है ना 1993 तक लगा था, तो इतना लंबा था दोस्तों, समझे? एक चीज गड़बड़ हो गया यहां पे बता रहा हूं, यानी 93 आ गया था दोस्तों, 93 आ गया था, इसलिए 92-93 बोलते हैं। तो समझ आया दोस्तों, तीसरा राष्ट्रपति शासन 92-93 में लगा था, 16/12 1992 से सही बताया था मैंने, 6/12 1993 तक के, तो समझ में आ गया ये हुआ था। तो कौन थे, क्या थे, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो पहला राष्ट्रपति शासन जब लगा था 1977 में दोस्तों, सरकार ने श्याम चरण शुक्ल को विधानसभा में बहुमत से समर्थन देने के बावजूद बर्खास्त कर दिया था, इस कारण सरकार गिर गई थी और राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा जब वैसे ही हुआ था, सरकार ने सुंदरलाल पटवा को विधानसभा में बहुमत के समर्थन देने के बावजूद बर्खास्त कर दिया था और उसकी सरकार गिर गई थी जब लगा था। तीसरा राष्ट्रपति शासन जब लगा था दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिराने या ढलाने के कारण लगा था। तो उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद है ना का जो विवाद चल रहा था, बाबरी मस्जिद विवाद और राम जन्मस्थली विनाश, ये जो विवाद चल रहा था उसके बाद सरकार ने बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो 3 राष्ट्रपति शासन उनके टाइम पे कौन थे ये याद रखना है। अब हम देखते हैं लिस्ट दोस्तों धमाकेदार तरीके से, एक तरफ मुख्यमंत्री लिखे, एक तरफ राज्यपाल एक तरफ में कार्यकाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूँगा क्या क्या क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए थे श्री पंडित रविशंकर शुक्ल। डायरेक्ट प्यारा सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, 1/11/1956 से 31/12/1956 तक, यानी मात्र 60 दिन, यानी 2 महीने तक के ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है? सागर में। और इनकी समाधि कहाँ पर है? तो सागर में ही है, जो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के परिसर में है दोस्तों इनकी समाधि, पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि। और वहीं पर ही हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में ही, हरि सिंह गौर की समाधि के किनारे ही इनकी समाधि है पंडित रविशंकर शुक्ल की। और इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो इनसे इतने क्वेश्चन याद रखने का है अपने को, CP&RR दोस्तों, जब मध्य प्रदेश के गठन के पहले CP&RR सीपी सीपी
एंड बारार, सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्हें बनाया गया था दोस्तों, है ना। 15 अगस्त 1947 से लेके 31 अक्टूबर 1956 तक के ये मध्य प्रदेश के प्रथम यानी सीपी एंड बारार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और आज फिर मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो इनको ही मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री बना दिया गया। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बस। इन्हें मध्य प्रदेश का पुरोधा पुरुष के नाम से जाना जाता है, पुरोधा पुरुष, कभी पूछा गया तो पुरोधा पुरुष, इतना याद रखना है। दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे जिनका नाम था श्री भगवंत राव मंडलोई 1957 से लेकर 1957 तक, मात्र एक महीने तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, याद रखना है, है ना। तो दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, याद रखना है, भगवंत राव मंडलोई, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहां भी बने, दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं दोस्तों। ये संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, तो संविधान सभा के सदस्य पंडित रविशंकर शुक्र भी रहे हैं, भगवंत राव मंडलोई भी रहे हैं, हरि सिंह गौर भी संविधान सभा के सदस्य थे, और 1970 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, इतना याद रखें इनसे। तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कैलाश नाथ काटजू। तो दोस्तों कैलाश नाथ काटजू से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। जो कैलाश नाथ काटजू है ये केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कि मध्य प्रदेश के कौन से मंत्री है जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर रह चुके हैं, तो कैलाश नाथ काटजू 1957 से लेकर 1957 तक, यानी 2 वर्ष 14 दिन तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इनके बाद फिर से बनते हैं, एक और बार बनते हैं कैलाश नाथ काटजू 57 से लेकर 62 तक। उसके बाद भगवंत राव मंडलोई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 62 से लेकर 63 तक, भगवंत राव मंडलोई। तो भगवंत राव मंडलोई से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो भगवंत राव मंडलोई को अपन ने पढ़ चुके हैं, दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मैंने बता दिया था ना, दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने भगवंत राव मंडलोई, है ना। उसके बाद द्वारिका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 63 से लेकर 67 तक के। तो द्वारिका प्रसाद मिश्र ये भी दो बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, है ना। और क्या क्वेश्चन आता है, इन्हें मध्य प्रदेश के राजनीतिक में चाणक्य की उपाधि दी गई थी, यानी बोला जाता था, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश के चाणक्य बोलते थे, आधुनिक चाणक्य, है ना, राजनीति चाणक्य, मध्य प्रदेश में राजनीतिक चाणक्य के नाम से इन्हें जाना जाता था। 1963 से लेकर 67 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना याद रखना है, बस इतना याद रखना है। इसके बाद फिर से बनते हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र 67 से लेकर 67 तक। उसके बाद श्री गोविंद नारायण सिंह बनते हैं, याद रखना है दोस्तों, गोविंद नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 1967 से लेकर 69 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं गोविंद नारायण सिंह। और इन्हीं के टाइम पे दोस्तों इन्हें संविदा सरकार बनी थी एक, इन्होंने संविदा यानी संयुक्त विधायक दल, 36 संयुक्त विधायक दल की एक सरकार का गठन किया था, और इन्हीं मुख्यमंत्री के काल में विजय राजे सिंधिया को सदन का नेता बनाया गया था। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि मुख्यमंत्री जो होता है वो सदन का नेता होता है, लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में विजय राजे सिंधिया को सदन का नेता बनाया गया था। इन्होंने 36 संयुक्त विधायक दल का गठन किया गया था और उसी के आधार पर इन्होंने विजय राजे सिंधिया को सदन का नेता घोषित करा था, बनाया गया था, इतना याद रखना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन और बाकी चीज आप उसके बारे में और आगे पढ़ सकते हैं, काम की इन्फॉर्मेशन इतनी ही है, किसके टाइम पे बना था ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो सदन का नेता विजय राजे सिंधिया को किसके टाइम पे बनाया गया था, तो गोविंद नारायण सिंह के टाइम पे बनाया गया था। इन्हीं के बेटे का नाम है अवधेश प्रताप सिंह दोस्तों, है ना। आगे बात करेंगे हम राजा नरेश चंद्र सिंह ने 1969 से लेकर 69 तक, यानी 12 दिन तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ सकता है पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही थे, या बोल सकते हैं आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। और ये सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री मात्र 12 दिन तक थे, ये राजा नरेश चंद्र सिंह, याद रखना है। इनके बाद श्यामा चरण शुक्ल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। श्यामा चरण शुक्ल 69 से लेकर 72 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। फिर प्रकाश चंद्र सेठी बनते हैं 1972 से 72 तक के, है ना। और प्रकाश चंद्र सेठी फिर से बनते हैं 72 से लेकर 75 तक के, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो श्यामा चरण शुक्ल, है ना, ये श्यामा चरण शुक्ल जो है दोस्तों, ये जो श्यामा चरण शुक्ल जिनका नाम अपन ले रहे हैं, ये जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे थे, है ना, इनके बेटे थे ये, इनसे इतने क्वेश्चन। और इन्हीं के टाइम पे पहली बार श्यामा चरण शुक्ल के टाइम पे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इतना याद रखना है। तो समझ में आया क्या,
समझ में आया क्या? श्यामाचरण शुक्ल के टाइम पे 77 में पहला राष्ट्रपति शासन लगता है मध्य प्रदेश में। पहला राष्ट्रपति शासन 30/4/1970 से 25/6/1977 तक लगा था, ये तारीख याद रखना है। 30/4/1970 से 25/6/1977 तक के मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था। तो 10 मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, उसके बाद पहला राष्ट्रपति शासन लगा था वाला डायलॉग आपको याद होगा कि 10 बस है ना, तो याद रखना है 10 बहुत है। तो पहला राष्ट्रपति शासन 10 मुख्यमंत्री, अभी ट्रिक बताऊंगा मैं आगे, आगे बात करते हैं। पहला राष्ट्रपति शासन के बाद कैलाश चंद्र जोशी फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और ये मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे दोस्तों। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का मतलब है जो कांग्रेस के नहीं थे, दूसरी पार्टी के थे। तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पहले यही थे, कैलाश चंद्र जोशी। इनसे क्वेश्चन आ सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लगा था उसके बाद सरकार पलटी थी और गठबंधन की सरकार बनी थी और 1970 में ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। 1970 से लेकर 78 तक के चली। इसके बाद वीरेंद्र कुमार साखलेचा बनते हैं। वीरेंद्र कुमार साखलेचा 78 से लेकर 1980 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद सुंदरलाल पटवा बनते हैं 80 से लेकर 80 तक के और दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरा राष्ट्रपति शासन दोस्तों मध्य प्रदेश में 18/2/1980 से 8/6/1980 तक के लगा है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, पहला 77 में, दूसरा 80 में। कम से कम याले सन तो याद होना, लेकिन पूरी तारीख याद रखोगे तो और भी अच्छी बात है। पहला राष्ट्रपति शासन और दूसरा राष्ट्रपति शासन के बीच 3 मुख्यमंत्री रहे हैं, कैलाश चंद्र जोशी, वीरेंद्र कुमार साखलेचा, सुंदरलाल पटवा। अब बात करते हैं अर्जुन सिंह बनते हैं दोस्तों। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं 1980 से लेकर 1985 तक, है ना। तो 80 से 85 तक के अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। अर्जुन सिंह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 85 में फिर से 1 बार बनते हैं, है ना। 85 में मात्र 1 दिन के लिए फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं ये, इसीलिए इनके टाइम पे कई बार क्वेश्चन आता है सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह। जब दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो मात्र 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं ये, तो इनका कार्य इसीलिए क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो अर्जुन सिंह से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। अर्जुन सिंह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 के समय कौन मुख्यमंत्री थे, देखो ये 1984 यहां पे आएगा। तो भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो यही थे दोस्तों, याद रखना है। और 11 मार्च 1885 को 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए इनका नाम भी आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन थे। और इन्हीं के टाइम पे जो डाकू थी दोस्तों फूलन देवी ने आत्मसमर्पण किया था, तो क्वेश्चन आ सकता है फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अर्जुन सिंह थे, इतना याद रखना है। अर्जुन सिंह 2 बार बने, दूसरी बार बने 1 दिन के और सबसे कम समय के लिए बन गए। उसके बाद मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन, मोतीलाल वोरा से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इतना ही याद रखना है। मोतीलाल वोरा स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं 1885 से लेकर 1888 तक के, सॉरी 1985 से लेके 1988 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा के बाद अर्जुन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं 1988 से लेके 89 तक के दोस्तों, और मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना याद रखना है। 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन सिंह, है ना, अर्जुन सिंह। उसके बाद मोतीलाल वोरा फिर से बनते हैं दोस्तों 89 से लेकर 89 तक के, मोतीलाल वोरा के बाद श्यामा चरण शुक्ल फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 89 से लेकर 1990 तक, है ना। तो 1989 से लेकर 1990 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं श्यामा चरण शुक्ल। फिर सुंदरलाल पटवा फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 90 से लेकर 92 तक, और मध्य प्रदेश में 3रा राष्ट्रपति शासन लगता है, जो बाबरी मस्जिद ढलाने के कारण, है ना, जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था उस टाइम पे लगाया गया था ये। तो 3रा राष्ट्रपति शासन 16/12/1992 से लेके 6/12/1993 तक के मध्य प्रदेश में 3रा राष्ट्रपति शासन लगता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो देखो जब दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था उसके बाद अर्जुन सिंह फिर मोतीलाल वोरा, फिर अर्जुन सिंह, फिर मोतीलाल वोरा, है ना। तो सिंह यानी ऐसा बोल सकते हैं, आई बताऊंगा मैं ट्रिक आपको, श्यामाचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवा के बाद 3रा राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों, और ये दिग्विजय सिंह 5 साल पूरा करते हैं 1993 से 1998 तक, फिर से 1998 से लेकर 2003 तक के, यानी 2 टर्म के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 5 और 5 10 साल रहे हैं दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। दिग्विजय सिंह के बाद उमा भारती मुख्यमंत्री बनती है दोस्तों, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है। अब दिग्विजय सिंह से क्वेश्चन ये आ सकता है, दिग्विजय सिंह से क्वेश्चन आ सकता है कि जब प्रदेश का विभाजन हो रहा था, यानी जो हम छत्तीसगढ़ को अलग कर रहे थे, तो
विभाजन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दिग्विजय सिंह थे, याद रखना है, है ना। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो छत्तीसगढ़ के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यही थे, याद रखना है। दो बार रहे हैं 10 साल, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के थे, है ना। फिर उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती, उमा भारती, और उमा भारती जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है तो मुख्यमंत्री इसके पहले लेडीज कोई बनी नहीं थी, तो पहली महिला मुख्यमंत्री बनती, याद रखना है, उमा भारती। उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री 2003 से 2004 तक रहती है, फिर उमा भारती इस्तीफा दे देती है, फिर बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है 2004 से लेकर 2005 तक। 2004 से लेकर 2005 तक के बाबूलाल गौर को बनाया जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री। तो बाबूलाल गौर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उमा भारती से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले तो उमा भारती से क्वेश्चन आ सकते हैं। उमा भारती का जन्म टीकमगढ़ में हुआ था, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रही है। बाबूलाल गौर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बाबूलाल गौर का हाल ही में निधन हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, बुलडोजर मंत्री के नाम से मशहूर थे, गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह भी इन्होंने किया था और उसमें साथ दिया था गोवा मुक्ति आंदोलन में, है ना। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों, बाबूलाल गौर इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देने के बाद बीजेपी सरकार जो है अपना नेता चुनती है, सदन का नेता चुनती है शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान दोस्तों 2005 से लेकर 2008 तक के, 2005 से लेकर 8 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 3 साल पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं दोस्तों इस्तीफा के बाद, है ना। सदन के नेता चुने गए थे और उसके बाद बनते हैं एक बार, फिर दूसरी बार जब नेता बनते हैं तो पूरा 5 साल चुनाव जीत के बनते हैं 2008 से लेकर 2013 तक के। उसके बाद तीसरी बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर 2013 से लेकर 2018 तक के, यानी कि ये 5 साल और ये कितने साल, 5, 6, 7, 8, यानी 3 साल पूरा करते हैं दोस्तों, है ना, पूरा करते हैं। उसके बाद इनकी सरकार गिर जाती है, नहीं ये बन जाते हैं तो समझ में आ गया, 3 बार मुख्यमंत्री बने, फिर कांग्रेस सरकार बनती है और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 2018 से लेकर 2020 तक के, 29 विधायक इन्हें धोखा दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और उस वजह से कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिर जाती है, और फिर से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं 2020 से लेकर 2023 तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। 18 साल तक के मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं दोस्तों, 18 साल तक के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बताता हूं यहां पे आपको। शिवराज सिंह चौहान का जन्म हुआ था बुधनी सीहोर में, है ना, चौथी बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री, यानी 4 बार बने हैं ना, तो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं इसलिए इनको बोल सकते हैं हम चौथी बार, यानी 4 बार शपथ लेने वाले मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री है। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है दोस्तों, बुधनी से, है ना, बुधनी जो सीहोर में आता है बुधनी है, है ना। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं, इनके पहले दिग्विजय सिंह थे, है ना। उसके बाद 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं ये, 30 दिन तक ऐसे मुख्यमंत्री जो बिना मंत्रिपरिषद के कार्य कर वाले मुख्यमंत्री हैं। और इनकी पुस्तक का नाम है बढ़ता मध्य प्रदेश, इनकी एक पुस्तक है बढ़ता मध्य प्रदेश, और मामा शिवराज मामा के नाम से मशहूर पूरे भारत में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनकी एक योजना लाडली बहन काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई और प्रचलित होने के कारण ही इनकी सरकार फिर से बनी, है ना, तो इतना याद रखना है। तो शिवराज सिंह चौहान समझ में आ गया, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका नाम याद रख लो, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतना याद रखना है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करते हैं अपन कमलनाथ को, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कमलनाथ को डिस्कस करते हैं। तो कमलनाथ का जन्म हुआ था कानपुर में दोस्तों, उत्तर प्रदेश कानपुर में हुआ था कमलनाथ का जन्म, और यह केंद्र में परिवहन मंत्री भी रहे हैं, शहरी विकास मंत्री भी रहे हैं और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ। केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे हैं। इंडिया सेंचुरी इनकी पुस्तक का नाम है, इंडिया सेंचुरी इनकी पुस्तक का नाम है। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी दोबारा तो विपक्ष के नेता बने थे, और राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? युवा तुर्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं, है ना, कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार, कितने बार? 9 बार सांसद रह चुके हैं, इतना याद रखना है। अब क्या बात करते हैं अपन, तो समझ में आया दोस्तों क्या पढ़ाया मैंने, 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान, यानी 3 बार बने थे, फिर कमलनाथ बने, उसके बाद फिर से इनकी सरकार बनी, और ये कब से कब तक रहे हैं, तो 23/3/2020 से लेके 12/12/2023 को फिर इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा, किसको, जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे श्री डॉक्टर मोहन यादव को। मोहन यादव ने शपथ किस दिन लिया है, तो 13/12/2023 को इन्होंने शपथ लिया है दोस्तों, यानी कि शिवराज सिंह चौहान का सबसे लंबा कार्यकाल है, इतना अपने को याद रखना है। शिवराज सिंह चौहान लगभग 18 साल पहले अचानक सीएम बने थे, और 18 साल पहले अचानक सीएम बने थे, और 18 साल सीएम रहने का रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज हो चुका है
हो चुका है, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि चुनाव हुआ है ना, मध्य प्रदेश में कौन सी 16वीं विधानसभा चल रही है ना, 16वीं विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, डॉक्टर मोहन यादव जीते, यानी जीते नहीं, बीजेपी की सरकार बनी और उन्होंने फिर डॉक्टर मोहन यादव को अपना मुख्यमंत्री चुना। तो दोस्तों मोहन यादव ने 13/12/2023 को, क्या तारीख है वो, 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, इसीलिए ये तारीख लिखी हुई रहती है जिस दिन शपथ लेते हैं। तो इन्होंने अपना पद छोड़ा कब, 12/12/2023 को, और 13/12 यानी 13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और इनके साथ जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को, राजेंद्र शुक्ल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, मुख्यमंत्री तो इनको बनाया गया, इसके साथ साथ दो नाम आते हैं जिनका नाम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने, राजेंद्र शुक्ल ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है इनके साथ। तो इनके साथ दो, इनके साथ मध्य प्रदेश के डेप्यूटी सीएम भी होंगे है ना, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इनके साथ दो डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं, जिसका एक का नाम है जगदीश, एक का नाम क्या है, जगदीश देवड़ा और एक का नाम क्या है, एक का नाम है राजेंद्र शुक्ल। ये दो डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं दोस्तों। तो डेप्यूटी सीएम का पद भी सृजन किया जाता है जरूरत पड़ने पर, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है डेप्यूटी सीएम का। और मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, तो क्या है नाम, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, आप बताना कमेंट करके। तो समझ में आ गया, डॉक्टर मोहन यादव के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं, दोस्तों ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं है ना, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के दक्षिणी उज्जैन विधानसभा के विधायक है। कहाँ से पूछा जा सकता है, अपने को पता रहना चाहिए, दक्षिणी उज्जैन के विधायक है, दक्षिणी उज्जैन विधानसभा से विधायक है दोस्तों। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है, मध्य प्रदेश के 19वें, कभी पूछे हो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने, 19वें है ना, 19वें कमलनाथ बने थे 18वें नंबर के मुख्यमंत्री, के रूप में शपथ लिए थे, और फिर 19वें नंबर के मुख्यमंत्री ये बने डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि यहां पे सीरीज लिखी हुई रहती, क्रम लिखा हुआ नहीं रहता। कई मुख्यमंत्री एक ही बार 10 बार बनते हैं, यानी 3 बार बनते हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान 4 बार बन गया, तो अब 4 बार थोड़ी गिनेंगे उसको। ऐसा करके देखा जाए तो ये कमलनाथ 18वें नंबर के थे और ये डॉक्टर मोहन यादव बने हैं 19वें नंबर के। तो क्या क्या याद रखना है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के दक्षिणी उज्जैन विधानसभा के विधायक हैं, मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में सेवारत है, 2003 से मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदस्य के रूप में दक्षिणी उज्जैन यानी उज्जैन दक्षिणी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इनका नाम सामने आया, 19वें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और इनको शपथ किसने दिलवाई, तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, मंगू भाई छगन भाई पटेल ने इनको शपथ दिलाई, और इनका जन्म भी उज्जैन में ही हुआ, याद रखना है ना, इनका जन्म भी उज्जैन में हुआ है, इतना याद रखें इनसे। और क्या इनकी इंपॉर्टेंट चीज कुछ परीक्षा में बाद में देखेंगे, अभी तो बने हैं तो क्या क्वेश्चन आते हैं है ना। तो इतना समझ में आ गया, इतनी जानकारी आपको देने की कोशिश किया मैंने। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था, इसको याद कैसे रखना है, देखो कैसे याद रखना है बताता हूँ है ना। तो सबसे पहले रवि भगवत, दो नाम याद हो जाएंगे आपको, रवि भगवत कैलाश भगवत, चार नाम याद हो जाएंगे दोस्तों, रवि भगवत कैलाश भगवत चार नाम याद हो जाएंगे, द्वारिका गोविंद नरेश तीन नाम याद हो जाएंगे है ना, द्वारिका गोविंद नरेश, उसके बाद श्याम प्रकाश श्याम, तीन नाम आते हैं श्याम प्रकाश श्याम। तो ऐसा करके 10 मुख्यमंत्री के नाम सामने के याद हो जाएंगे आपको। क्या बोला मैंने फिर से समझो भला। तो देखो क्या बोला मैंने, रवि भगवत कैलाश भगवत द्वारिका के बाद गोविंद और उसके बाद नरेश। तो ऐसा करके याद हो जाएंगे श्याम प्रकाश श्याम, 10 याद हो जाएंगे और 10 बस है यहाँ पे, मैंने बताया था पहला राष्ट्रपति शासन। फिर कैलाश वीरेंद्र पटवा, ऐसा नाम याद रख सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं, यानी आप यहाँ तीन ये नाम याद रख सकते हैं, कैलाश वीरेंद्र और सुंदरलाल, तीन के बाद फिर से देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्जुन सिंह बनते हैं, अर्जुन सिंह अर्जुन
सिंह, अर्जुन सिंह मने तो सिंह वोरा, सिंह वोरा फिर से बनते ना चार बार, देखो तो ऐसा बोल सकते हैं अपन सिंह वोरा सिंह वोरा। शुक्ल है ना, शुक्ल पटवा, और उसके बाद यहाँ से उल्टा आप ये जब दूसरा राष्ट्रपति तीसरा राष्ट्रपति शासन के बाद आप यहाँ से उल्टा जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। वर्तमान में कौन है, मोहन यादव, उसके पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के पहले कमलनाथ बने, कमलनाथ के पहले फिर से शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान के पहले बाबूलाल गौर बने थे, बाबूलाल गौर के पहले उमा भारती ने इस्तीफा दिया था, उमा भारती के पहले दिग्विजय सिंह थे, और दिग्विजय सिंह के पहले तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा था। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है जिसमें हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कवर किए। तो दोस्तों हम मध्य प्रदेश की यूनिट नंबर कौन सी है, 5, यूनिट नंबर 5 पूरी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जो जो टॉपिक मेंशन है यानी एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 5 प्रीलिम्स की, उसमें जो जो टॉपिक मेंशन है वो सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए, चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आप डिटेल में पूरे जो जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी